यह वीडियो वाकांडा के संकी पायलट के दिमाग की उपज है जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता पाई जाती है तो इसे सहयोग मात्र समझा जाए। 11 अक्टूबर 2050, वाकांडा में इलेक्ट्रिक इंजन का आतंक इतना बढ़ चुका था कि प्रशासन बूढ़े हो चुके डीजल इंजन को लूप लाइन में खड़ा करके इलेक्ट्रिक इंजन को पास थ्रू भगाने लगा। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में डीजल इंजन को काट कर इलेक्ट्रिक इंजन लगाने से पूरा डीजल इंजन समाज शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अपने जमाने के बाहुबली कहे जाने वाले WDG-4D जैसे डीजल इंजन को कल परसों पैदा हुए WAG-9 मालगाड़ी समेत घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। लेकिन बेशर्मी की सारी हदें उस वक्त पार हो चुकी थी जब एक मनचला WAG-7 यार्ड में शंटिंग कर रहे भोले भाले डीजल इंजन को जबरदस्ती यार्ड के कोने में ले गया। इस कांड से गुस्साए डीजल इंजन समाज ने बदला लेने के लिए डीजल शेड में एक आपातकालीन बैठक को बुलाया और फिर मंगलवार शाम 7:30 बजे यार्ड में अकेले खड़े WAG-9 पर WDG-4 ने इतनी जोर से हमला किया कि उसका सर फट गया। सुल्तानपुर में WDG-4 के मल्टी ने WAG-12 को इतनी जोर से डैश मारा कि उसके परखच्चे उड़ गए। डीजल इंजन यहीं पर नहीं रुके, उन्हें जहां भी अकेला इलेक्ट्रिक इंजन दिखता उस पर अपना डीजल डालकर उसे फूंक दिया जाता। Wait a minute. Who are you? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको इलेक्ट्रिक इंजन की कुछ ऐसी खूबियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके कारण डीजल इंजन उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रिक लोको की दुनिया के भंगार कहे जाने वाली WAG-5 का W रिप्रेजेंट करता है वाइड या ब्रॉडगेज को, A रिप्रेजेंट करता है AC या इलेक्ट्रिसिटी को, G रिप्रेजेंट करता है गुड सर्विस को और 5 रिप्रेजेंट करता है उसके वर्जन को। वैसे तो वाकांडा में इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत सन 1925 में ही हो गई थी, किंतु वर्तमान समय तक अपना अस्तित्व बचाए रखने वाला अपने बाप दादा के जमाने का इंजन मात्र WAG-5 है। लप्पू से दिखाई देने वाले WAG-5 का जन्म पश्चिम बंगाल के चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सन 1988 में हुआ। 1988 से लेकर 1998 तक के महज 10 साल के अंतराल में इसके 1195 भाई और पैदा कर दिए गए, जिनमें से 890 तो आज भी पटरियों पर खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। लगातार 35 साल से रेलवे में सेवा दे रहे WAG-5 के सामने न जाने कितने WDM-3D पैदा हुए और मर मरा गए, लेकिन ये आज भी धड़ल्ले से रेलवे में सेवाएं दे रहे हैं, जिसके कारण इन्हें देखते ही बाकी लोकोमोटिव के दिमाग में एक ही बात आती है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 118 टन वजन और 3850 हॉर्स पावर की क्षमता रखने वाले इस बूढ़े जीव की टॉप स्पीड 80 km/h है, जो कि मालगाड़ियों के लिए सफिशिएंट है। प्लेन सेक्शन में डीजल इंजन की तुलना में कम दाम पर माल पहुंचाने के लिए ये लोकोमोटिव इतना सक्सेसफुल है कि इसने नॉर्थ इंडिया में डीजल इंजन का नामो निशान खत्म कर दिया। नॉर्थ इंडिया में डीजल इंजन अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। जहाँ डीजल इंजन को चेक करते समय असिस्टेंट लोको पायलट काला पीला नीला गीला हो जाता है, वहीं बैटरी रेखकर एक राउंड मारकर WAG-5 जैसे इलेक्ट्रिक लोको को आसानी से चेक किया जा सकता है। अपने शर्मीले स्वभाव और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ये लोको WDG-4 की भांति मालगाड़ियों के साथ अकेले नहीं बल्कि जूते चप्पलों की भांति पेयर्स या जोड़े में दिखाई देते हैं। अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो ये वाकांडा का एक मात्र ऐसा लोकोमोटिव है जिसका नाम मात्र सुनने से लोको पायलट की पेंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। मगर क्यों? क्योंकि इसके केबिन में इतने सारे रिले, फ्यूज, कॉन्टेक्टर वायर देखकर ऐसी फीलिंग आती है मानो किसी चलते फिरते बिजली घर में घुस गए हो। बिजली से चलने वाले इस वन मानुष के वर्किंग में प्रयोग होने वाला डीजे कंट्रोल सर्किट और उसकी ट्रबल शूटिंग इतनी खतरनाक और जटिल होती है कि रेलवे में अभी अभी पैदा हुआ ALP भी ट्रेनिंग के दौरान एक ही बात कहता है, अरे मार रही है, चल बता रहे हो करे। पिछवाड़ा टिकाने हेतु नाम मात्र की सीट देने, कॉरिडोर में जाने पर कपड़े फड़वाने और सिर फुड़वाने की गारंटी देने वाला ये इंजन लोको पायलट की दुनिया में इतना बदनाम है कि इसे देखते ही लोको पायलट के दिमाग में एक ही गाना बजता है। WAG-5 के ट्रांसफार्मर, कंप्रेसर, ब्लोअर, डीजे कंट्रोल सर्किट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने पर ये लोको अपनी दुकान बंद करके 20 सेक्शन में खड़ा हो जाता है और लोको पायलट को धमकाते हुए सेक्शन कंट्रोलर से पूछने लगता है, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं बताइए क्या कर लेंगे।
जहां डीजल इंजन को एक बार अच्छे से चेक करने के बाद चलाते समय रिवर्सर को फॉरवर्ड और थ्रोटल से नोच लेने पर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला वाली फीलिंग आती है, वहीं WAG5 जैसे चलते फिरते बिजली घर को चलाते समय लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को इंजन के अंदर से आवाजें आती रहती है, मैं बम हूँ आप बुरा ना माने तो फाट लूं। प्लेन सेक्शन में खाली मालगाड़ी लेकर जाना हो या दो चार डिब्बों को इधर उधर घुमाना हो तो आप OLX पर इस लोकोमोटिव को 7 से 8 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट या ऊंचाई पर कोयला या सीमेंट जैसा लोड चढ़ाने के लिए इस लोकोमोटिव को खरीदना चाहते हैं तो पैसा बर्बाद पहन चो। 3850 हॉर्स पावर वाले WAG5 को 5000 हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए WAG5 के कुछ रिले और फ्यूज को निकाल कर उसमें 3-फेज इंडक्शन मोटर लगाकर एक नया लोको तैयार किया जाता है जिसे WAG7 कहते हैं। 123 टन वजन और 5000 हॉर्स पावर वाले इस जानवर की टॉप स्पीड 105 की MPH है। WAG5 के अपग्रेड वर्जन WAG7 की विश्वसनीयता का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज WAG7 की 1970 यूनिट रेलवे में धड़ल्ले से दौड़ रही है, जो कि संख्या की दृष्टि में सबसे ज्यादा है। मालगाड़ियों का क्रश कहे जाने वाले इस रंगीले रोमियो पर रेलवे को इतना ज्यादा विश्वास है कि मालगाड़ी का इंजन होने के बावजूद भी इसे पैसेंजर ट्रेनों के साथ डेक पर घूमते हुए ज्यादा देखा जाता है। WAG7 वकांडा का पहला ऐसा लोकोमोटिव है जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब ब्रेक लगाते समय इसकी 6 ट्रैक्शन मोटर 6 जनरेटर में बदल जाती है और ऊपर वाली OHE से बिजली लेने की बजाय उसे बिजली देने लग जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अनयूजुअल या आपातकालीन परिस्थितियों में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट इस चलते फिरते बिजली घर को छोड़कर भाग ना जाए, इसके लिए इसमें BPMS नामक बटन लगाया गया है। मतलब BPMS नामक एक ही बटन दबाने पर इसका DJ ओपन पेंटो डाउन प्रेशर ड्रॉप करके ये चुपचाप शांति से एक जगह खड़ा हो जाता है। अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बनाए गए एरोडायनामिक शक्ल के WAG7 में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के बैठने के लिए अच्छा खासा स्पेस होता है, लेकिन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए चपटे मुंह के चाइनीज शक्ल के WAG7 में लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के बैठने के लिए बहुत जगह है। नहीं जगह है। 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 डीजल इंजन की तुलना में अभी भी ये लोकोमोटिव कम यूजर फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि जहां WDG4 जैसा डीजल इंजन थ्रोटल से नोच लेने और BP प्रेशर ड्रॉप करके रोक देने जैसे सिंपल कंसेप्ट पर काम करता है, वहीं WAG7 जैसे इलेक्ट्रिक लोको को चलाते समय ट्रैक्शन मोटर करंट वोल्टेज BPMR VCD स्पीडोमीटर न्यूट्रल सेक्शन पर बराबर ध्यान बनाए रखने के बावजूद भी अंदर से डीजे कंट्रोल सर्किट चलाता रहता है। पीछे देखो, पीछे। पीछे तो देखो। किधर? जहां डीजल लोको में बीच रास्ते में कोई ट्रबल आती नहीं है और अगर आती भी है तो लोको पायलट उसे आसानी से ठीक कर सकता है, लेकिन WAG7 जैसे इलेक्ट्रिक लोको में बीच रास्ते में ट्रबल ज्यादा आती है और ये ट्रबल डीजे कंट्रोल सर्किट में आई है, ब्लोअर में आई है या कंप्रेसर में, हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। जहाँ डीजल इंजन की पटरियों पर ग्रिप मजबूत होने के कारण उसमें व्हील स्लिप की समस्या न के बराबर आती है, वहीं WAG7 जैसे लोको से लोड क्लियर करते समय ग्रेडियंट पर अगर सैंडबॉक्स में सैंड खत्म हो जाए तो अगर आप भी गेहूं चावल सीमेंट सरिया कोयला ले जाने के लिए एक गुड्स लोको की तलाश में हैं, तो 1 करोड़ की डाउन पेमेंट और 8,340 सालों तक चलने वाली 200 रुपए की आसान किस्त से आज ही अपने घर ले आए WAG7। WAG5 का 5000 HP वाला अपडेटेड वर्जन WAG7 इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि उसे मालगाड़ियों के साथ कम और पैसेंजर ट्रेनों के साथ ज्यादा देखे जाने लगा, जिससे शर्मिंदा होकर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने WAG7 का एक पैसेंजर वर्जन तैयार किया जिसे WAB4 नाम दिया गया। 112 टन वजन वाले इस लाल घोड़े ने अपने ट्रायल के दौरान ही 159 KMPH की स्पीड को पकड़ ली, जिसके कारण वकांडा रेलवे को भी कहना पड़ा, क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? 1993 से लेकर 2015 तक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने कुल 778 लाल घोड़े पैदा किए, किंतु मार्केट में स्विट्जरलैंड के सफेद घोड़े मेरा मतलब P5 और P7 लोको का क्रेज बढ़ने के कारण 2015 में इसका प्रोडक्शन पूर्णतः बंद कर दिया गया। भैया मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला, मेरी तो खुद जिंदगी लुट चुकी है।
तीन से चार हजार टनेज खींचने की क्षमता रखने वाले WAB-4 पावर को जब 700-800 टन की पैसेंजर ट्रेन पकड़ाई जाती है तो ये लाल घोड़ा खुशी से इतना बावड़ा हो जाता है कि उसे हवा में गायब कर देता है। माइक्रो प्रोसेसर लगाकर इसके बहुत से फ्यूज और रिले निकाल लेने के कारण ये लोको 20 सेक्शन में पेट दर्द का बहाना करके खड़ा नहीं होता। हल्की फुल्की पैसेंजर ट्रेनों को खींचने के कारण इस लोको में व्हील स्लिप की समस्या भी न के बराबर आती है। अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो इसके ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए कॉरिडोर के जस्ट पीछे लगे 35-35 हॉर्स पावर के दो ब्लोअर लोड पुणे सुपरस्टार की बांति इतनी जोर से करते हैं कि लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के कानों से खून निकाल देते हैं। ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए ये ब्लोअर सारी की सारी हवा कैब से खींचते हैं, इसलिए सर्दियों में WAP-4 की कैब लेयर लद्दाख और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को सिकुड़े हुए अंगूर बना देते हैं। WAP-4 लोको में हीटर को असिस्टेंट लोको पायलट के पैरों के पास लगाया जाता है, जिसके कारण सर्दियों में जाने अनजाने में कई बार वो अपने हाथ और पैर सुजा लेता है। खाए पिए खानदान से आने वाला असिस्टेंट लोको पायलट इसे चेक करते समय अपने शर्ट को फड़वाए बिना कॉरिडोर से बाहर नहीं निकलता। डायनेमिक या रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेते समय इसके CTF और लाइन कॉन्टेक्टर बीच में अटक जाते हैं, जिसके कारण ये 20 सेक्शन में खड़ा होकर चिल्लाने लगता है। अगर आप भी इस दिवाली अपने हरामखोर रिश्तेदारों और जले बुने गांव वालों को बंगाल की खाड़ी में छोड़कर आने के लिए नया लोको खरीदने की सोच रहे हैं तो मात्र 8 करोड़ की प्राइस में आज ही बुक करें लाल घोड़े कहे जाने वाले WAP-4 को। और अगर तुम मेरा कूपन कोड सन की पायलट यूज करते हो तो तुम्हें मिलेगा 10% डिस्काउंट, 400 मीटर की रेलवे पटरियां और दो मालगाड़ी के डब्बे बिल्कुल फ्री। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब।